दोस्तों, दो दिन तक संसद में अपना चेहरा छुपाने के बाद आखिरकार जस्टिन ट्रूडो को माफी मांगनी ही पड़ी और अब वह समय आ चुका है जब पूरी दुनिया कनाडा के प्रधानमंत्री पर हंस रही है और भारत भी इस मौके का फायदा उठाकर खुलकर कह सकता है कि जिस देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि उनकी संसद में किसका सम्मान किया जा रहा है, वह खालिस्तानी आतंकवादी के हत्या जैसे मामले पर भारत को क्या लेक्चर देगा। तो चलिए, क्या है ये पूरा मामला, इसे डिटेल में समझते हैं। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले जब यूक्रेन के राष्ट्रपति कनाडा के दौरे पर थे, तब जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा और यूक्रेन के संबंधों पर काफी बड़े बड़े बयान दिए। उन्होंने यूक्रेन की आर्थिक और सैन्य सहायता करने की बात भी की थी, जिससे रूस अभी भी आग बबूला है। लेकिन एक और बड़ा मामला तब खड़ा हुआ जब जस्टिन ट्रूडो जेलेंस्की को लेकर कनाडा की संसद में पहुंचे। वहां पर कनाडा के स्पीकर ने 98 साल के एक व्यक्ति की तरफ सबका ध्यान खींचा, जिसे उन्होंने काफी सम्मानित किया और कहा कि इन्होंने रूस से लड़ाई लड़ी थी। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त पश्चिमी देशों में रशिया को लेकर भावना कितनी ज्यादा विरोधी हो चुकी है। ऐसे में जब संसद में बैठे सभी लोगों को पता चला कि इस व्यक्ति ने रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो सभी ने उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। दो बार खड़े होकर तालियां बजाई गई और काफी अच्छे अच्छे शब्द कहे गए। यहां तक कि कनाडा की संसद के स्पीकर ने तो उन्हें हीरो तक बता दिया। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब खुद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की संसद में पहुंचे थे। लेकिन सभी को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति का उन्होंने सम्मान किया, वह यूक्रेन के फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि हिटलर की नाजी आर्मी में एक अधिकारी रह चुके हैं, जिन्होंने हजारों की संख्या में यहूदियों को मरवाने का काम किया और काफी जनसंहार किया। ऐसे में यह मामला तुरंत काफी बड़ा बन गया। दुनिया भर से इसराइल और यहूदियों ने कनाडा का विरोध शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि रूस को भी इससे काफी फायदा हुआ, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद यहूदी हैं और उन्होंने एक नाजी सेना अधिकारी का सम्मान करना खुद पूरे यूक्रेन के लिए काफी शर्मिंदगी वाले बात है, जिसे ध्यान में रखते हुए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर काफी दबाव बन रहा था कि वह माफी मांगे। यहां तक कि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर ने भी जस्टिन ट्रूडो को घेरना शुरू कर दिया था और उनसे बार बार सवाल किया जा रहे थे कि आखिर वह संसद में क्यों नहीं आ रहे और अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं। साथ ही ट्रूडो को इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए सबसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कनाडा के राजनयिक इतिहास में सबसे शर्मिंदगी वाली हरकत की है। इसके बाद आखिरकार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को माफी मांगनी ही पड़ी और अपने लेटेस्ट बयान में उन्होंने दुनिया के सामने माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें काफी दुख है कि संसद में जिस व्यक्ति को उन्होंने सम्मान किया, वह लाखों मासूम लोगों की हत्या में शामिल था, लेकिन उन्हें इस पूरे मामले के संदर्भ नहीं पता था, जिसकी वजह से ये गलती हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि 98 साल के इस व्यक्ति का कनाडा की संसद में सम्मान होना उन लाखों लोगों की भावनाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है जिन्होंने नाजी विचारधारा के हाथों अपने लोग गंवाए। हालांकि इस पूरे मामले पर कनाडा की संसद के स्पीकर ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है, बल्कि उनके पास ही अधूरी जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने इस व्यक्ति के सम्मान में काफी सारी बातें बोल दी। बाद में जब उन्हें असलियत का पता चला तो इसके बाद इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन स्पीकर के जिम्मेदारी लेने के बावजूद कनाडा के प्रधानमंत्री इस मामले पर खुद को अलग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हर कोई आज उनके ऊपर हंस रहा है कि इतनी बड़ी गलती आखिर कोई कैसे कर सकता है। वहीं पर नाजी वेटरन का सम्मान करने के मामले पर तो कनाडा के प्रधानमंत्री पहले से ही पूरी तरह से परेशान दिखाई पड़ रहे हैं कि अब खालिस्तान के मामले पर भी कोई देश उनका समर्थन करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि श्रीलंका तो खुलकर कह चुका है कि वह भारत का समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने तो कनाडा से अपना किनारा कर लिया। साथ ही जापान भी कनाडा के साथ नहीं है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जस्टिन ट्रूडो अपनी खराब डिसीजन मेकिंग के चलते पूरी तरह से फंस चुके हैं। यहाँ पर यह बात भी काफी इंटरेस्टिंग है कि कनाडा के प्रधानमंत्री खुद भारत को एक झूठे आरोप में इसलिए फंसाना चाहते थे ताकि वे अपने पर्सनल राजनीतिक इंटरेस्ट हासिल कर सके। जैसा करने के लिए उन्होंने माहौल बनाना शुरू किया कि हम दूसरे देशों की अखंडता का सम्मान नहीं करते। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि वे खुद माफी मांगते फिर रहे हैं कि कनाडा नाजी विचारधारा को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता और वह इसके खिलाफ है, जो काफी अजीब बात है। कितने बड़े देश के प्रधानमंत्री से ऐसी गलती कैसे हो गई? कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत इस वक्त कूटनीति के मामले में कनाडा से काफी सुपीरियर है और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कनाडा भारत को कूटनीति में हरा दे, जो हम सभी के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन कनाडा द्वारा किए गए इस ब्लंडर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ।
साथ धन्यवाद। जय हिंद।